कितनी तरह के वसीले जायज़ हैं। कुरान की आयत है फबतगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। वस्ताइनू बिस्सब्री वस्सलात, क्या मतलब? सबर और नमाज से मदद तलब करो। लेकिन वसीला होता है कि आप किसी चीज़ का वास्ता दे के दुआ करें, अल्लाह तुझे इस चीज़ का वास्ता, तू मेरी ये दुआ कबूल कर ले। जैसे मैंने कहा, लोग कहते हैं ना अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, हाँ अल्लाह के अस्मा और सिफात का वास्ता दिया जा सकता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, अल्लाह तू ज़ुल कुव्वतिल मतीन है, अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, अल्लाह तुझे तेरी तमाम अस्मा का वास्ता। एक तो ख़ास दुआ है ना, वो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लक, अल्लाह मैं तेरे हर नाम से तुझसे सवाल करता हूँ। बिकुल इस्मिन हुवा लक समय तभी ही नफसक, हर नाम से जिस नाम से तूने अपना नाम रखा, समय तभी ही नफसक औ अनज़लतहु फी किताबिक, और वो नाम भी जो तूने अपनी किताब में नाजिल किया, औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक, या फिर वो नाम जो तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया, अब इस्तअसरतहु फी इल्मिल गैब बिइंदक, या फिर तूने वो नाम जो अपने गैब के खजानों में छुपा के रखे हमें नहीं बताए। क्या अल्लाह के 99 नाम है? नहीं, अल्लाह के इससे कई और ज़्यादा नाम है। कुरान और हदीस में उलमा ने जमा किए कुरान और हदीस से नाम, तो कोई 104, 105, 110 तक भी पहुँचे। फिर बहुत सी अल्लाह की ऐसी सिफात हैं जो अल्लाह के नाम नहीं है। फिर ये हदीस इस बात पे दलालत करती है कि नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह सुबहाना व ताला के बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमें पता ही नहीं है। अब इस्तअसरतहु फी इल्मिल गैब इंदक, जो अल्लाह के गैब के खजानों में, अल्लाह के इल्म गैब में हम तक उसकी रसाई नहीं है, हमारे इल्म में नहीं आए, तो ये दुआ हम मांगते हैं। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई हमें कि अल्लाह मैं तुझे तेरे हर नाम का वास्ता देता हूँ, वो नाम जिससे तूने अपना नाम रखा, वो नाम जो जिससे तूने अपनी किसी मखलूक को तालीम दी। अब इस असर तो फिर मिल गई वे अंदक, अब दुआ आ गई, और वो दुआ क्या है? अंता जअलल कुरान अलअज़ीम रबीअ क़ल्बी, अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की, मेरे सीने की बहार बना दे। व नूर सदरी, और मेरे सीने का नूर बना दे। व जिला हुस्नी, और मेरे हुजन, मेरे गम को दूर करने वाला बना दे। व जिला हुजनी व गमी व हमी, और मेरे गम और मेरी जितनी भी तकलीफ़ हैं, परेशानियाँ हैं, उनको दूर करने का बायस बना दे। यानी अल्लाह के तमाम वास्तों का नाम दे के कुरान को दिल की बाहर बनाने की दुआ की, और कुरान को अपने गम दूर करने की दुआ की। अल्लाह को वास्ता दिया जा सकता है तो अल्लाह के नामों का, रिज़्क मांगा गया तो अल्लाह को रज़्ज़ाक का वास्ता दिया गया, रहमत का वास्ता, तौबा की बात की गई तो अल्लाह को रहीम कहा गया। तो पहला वसीला जो जायज़ है वो क्या है? ये आगे एक पूरा टॉपिक आएगा वसीले का, उसमें मज़ीद डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन पहला वसीला क्या जायज़ है? अल्लाह के अस्माओ सिफात का वास्ता देना। दूसरा, नेक कामों का वसीला देना। इसमें मशहूर वाक्य है, वो तीन लोग जो गार में बंद हो गए थे, उन्होंने क्या किया था? फंस गए थे, निजात का रास्ता नहीं था वहाँ पर, कहीं आज़ादी नहीं हो सकती है, बड़ा सा पत्थर सामने दरवाजे पर आके गिर गया गार के, अब कौन हटा सकता है उसे? अल्लाह ही था जो हटा सकता है। तो इन तीन बंदों ने, बनी इसराइल में से तीन बंदों ने दुआ की, नेक कामों का वसीला दिया। एक ने क्या वसीला दिया? एक ने अपने वालदैन के साथ खिदमत का वसीला दिया, दूसरे ने किसी औरत के साथ बुराई का इरादा किया और अल्लाह के लिए वो इरादा छोड़ दिया, उस औरत के साथ भी एहसान किया, तो क्या हुआ? नेकी का उसने अल्लाह को वसीला दिया। और तीसरे ने क्या करा? उसने अपने किसी एम्प्लॉय, किसी शख्स को काम पर रखा, उसके साथ उसने एक एहसान किया कि वो अपनी सैलरी लिए बगैर चला गया था, तो कई सालों बाद आया तो जो सैलरी से, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ था और जमा के सारा का सारा उसको वापस दे दिया। तो अल्लाह ने इन तीनों बंदों की दुआ, जो वसीले से की गई, उन सबको कबूल किया और वो दरवाज़ा खोल दिया। तीसरा वसीला, किसी नेक शख्स से दुआ करवाना, ये वसीला है। जैसे मैंने कहा हज़रत अब्बास से दुआ कराई गई थी, इसी तरह हज़रत उवैस करनी से दुआ कराने का नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जाओ उनसे दुआ कराओ, नेक बंदे हैं वो। क्यों नेक थे वो? वालदैन की खिदमत किया करते थे, वालदा की खिदमत कर रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम से आके मुलाकात भी नहीं कर पाए, सहाबी का दर्जा भी नहीं पा पाए, सिर्फ माँ की खिदमत। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी एक बशारत दी, या कितना बड़ा इसका सिला दिया उनको, आगे जाओ उनसे जाके दुआ करवाओ। तो वो वसीला, ये तीन वसीले जायज़ हैं, बल्कि इनके थ्रू दुआ करनी चाहिए, लोगों से दुआ करवानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी वसीला हो वह नाजायज़ है, वो बिदअत है, शिर्के असगर भी हो सकता है, और वो इंसान को शिर्के अकबर की तरफ भी ले जा सकता है।